अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। एयरपोर्ट के हवाले से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं लॉकडाउन के हवाले से और कितने लोगों ने कुवैत को छोड़ा है अभी तक, टोटल मैं आपको रिपोर्ट देने वाला हूं और इससे आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि अभी कुवैत के अंदर हालात क्या हैं। लॉकडाउन के हवाले से काफ़ी बड़ी खबर है, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे एयरपोर्ट के हवाले से। काफ़ी बड़ी खबर आ रही है कि एयरपोर्ट को बंद किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ का सवाल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे कि बंद किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तक इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं आया है। अगर अपडेट आता है, कोई भी कैबिनेट की मीटिंग में फैसला लिया जाता है, तो एयरपोर्ट के हवाले से हम शेयर कर देंगे आपको। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर लॉकडाउन के हवाले से भी। बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं और उनका सवाल है कि जब सारी चीज़ों को बंद किया जा रहा है, सारी चीज़ों पर जो है कार्रवाई की जा रही है और हर चीज़ को जो है अब देखा जा रहा है, इग्नोर नहीं किया जा रहा किसी भी चीज़ को, तो हो सकता है लॉकडाउन लगेगा नहीं लगेगा। तो इसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी ही मिनिस्ट्री की तरफ से इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं आया है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। आने वाले वक्त में अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है, अगर पाबंदियाँ सब चीज़ों पर लग रही हैं तो लगाया भी जा सकता है। और हो सकता है कि अभी जो है, पहले जो लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे लोगों को वैक्सीनेशन वगैरह नहीं लगी थी, सारी चीज़ें थी जो थे इस तरीके से, ये सारी चीज़ें नहीं थी। अब ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में लॉकडाउन की ज़रूरत ही नहीं पड़े, इसी तरीके से काम चल जाए, लोग वगैरह इन्हीं चीज़ों को मान जाएँ और फॉलो करना शुरू कर दें, तो ये ज़रूरत भी ना पड़ सकती है आने वाले वक्त में। बात कर लेते हैं यहाँ पर एयरपोर्ट के हवाले से, एक बड़ी खबर आ रही है 2021 के अंदर 257,000 लोगों ने जो है कुवैत को छोड़ा है। अब इसमें सभी लोग हैं, वर्कर भी हैं, डोमेस्टिक वर्कर भी हैं, कंपनियों में काम करने वाले हैं, बड़े अधिकारी भी हैं, सारे लोग हैं जो कि 257,000 लोगों ने कुवैत को छोड़ा है। तो आप खुद सोच सकते हैं, छोड़ा इतने लोगों ने है लेकिन इतने लोग कुवैत के अंदर एंट्री नहीं किए हैं, क्योंकि वीजा वगैरह सारी चीजें थी वो काफी समय से बंद थी और अभी भी पूरे तरीके से ओपन नहीं हुआ, अभी भी बंद है। लेकिन हाल ही में कुछ काम खुले हैं और लोगों को एंट्री वगैरह मिल रही है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।